Chapli Kebab. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चपली कबाब बनाना सिखा रही हूँ। चपली कबाब मसाले की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये मेरा अपना होममेड चपली कबाब मसाला है। मैं तकरीबन 1 kg के करीब कीमा लिया है। इसको मैंने चर्बी के साथ थोड़ा सा चिकनाई के साथ पिसवा लिया था। ये बिल्कुल रूखा कीमा नहीं है। आप याद रखें, जब भी आपको कोई भी कबाब की चीज़ बनानी है, जैसे सीख कबाब है, चपली कबाब, इस टाइप की कोई भी चीज़ बनानी है जिसमें आपको कीमा यूज़ करना है, तो हमेशा आप जो है उसको थोड़े चर्बी के साथ पिसवाएं, तो आपके कबाब की बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अलावा हम लेंगे 3 eggs, 1 medium size ऑनियन लेके इसको बारीक काट लीजिएगा। उसके अलावा मैंने 2 large टमाटर लेके उनको भी बारीक चौकोर पीसेस में काट लिया है। ये थोड़ा सा हरा मसाला मैंने पीस के रख लिया। इसमें पुदीना 2 हरी मिर्चें लेके उसमें तकरीबन 3 tablespoons पुदीना लीव्स और हरा धनिया 3 tablespoons लेके उसको थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स लेके उसमें पीस लिया है। इसकी इस तरह चटनी बना ली है। हम ये यूज़ करेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट हसबेंड का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा हम चपली कबाब मसाला डालेंगे। इसमें तकरीबन 6 tablespoons के करीब मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसको थोड़ा लाइट मसाला लेते हैं तो आप 5 tablespoons भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें चपली कबाब मसाला ऐड कर देंगे। 6 tablespoons मैंने चपली कबाब मसाला डाला है कि मुझे थोड़े से चटपटे बनाने हैं इसलिए। और अब ये मैं हरा मसाला जो है, अच्छा मैं इसको ऐसा डालूंगी कि इसका पानी ना आए, इसको आप छान भी सकते हैं। ये हम हरा मसाला थोड़ा सा ऐड कर देंगे। आप अगर ऐसे पीस के नहीं डालना चाहें तो आप बारीक बारीक हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पीस के ऐड कर रही हूँ। एग्स ऐड कर लेंगे। ऑनियन 1 medium size बस के करीब करूँगी, मैंने ज़्यादा काट के रखी हुई थी। टमाटर डाल लेंगे हम। अब हम इस तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। इसको मिक्स करिएगा ताकि जो ये टमाटर और प्याज है ये थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स हो जाए, फिर मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये हमारा मसाला जो है 1 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, ये चिल हो चुका है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। ये देखें, इस तरह हाथों की मदद से इस तरह पतले पतले हम शेप देके इसको कबाब बना लेंगे। और इस सारे शेप देके कबाबों के मैं रख दूंगी इसको फिर वापस से तकरीबन 15 to 20 minutes के लिए फ्रिज में, फिर हम इसे फ्राई। मैं जो हूँ इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना भूल गई थी। मैं तकरीबन 2 tablespoons भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। दोबारा से मैं इस मसाले को मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसे कबाब बना के फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 minutes के लिए ठंडा होने के। देखिए अब मैं इसके कबाब बना लूँगी। पहले इतना मसाला लेके हम हाथ में इस तरह कर लेंगे, बॉल सी बना के फिर इसको प्रेस करेंगे हल्के हल्के हाथों से। ये देखें, इस तरह बिल्कुल पतला सा मैंने कर लिया था आपको। और ये बारीक मैंने टमाटर गोल काट के रखे हुए थे साइड में। टमाटर लेंगे हम इसको और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। इसी तरह मैं सारे कबाब तैयार कर लूँगी। ये देखिए, फ्राई पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, थोड़ा सा ऑयल डाल के। अब मैं इसमें अपने कबाब डाल लूँगी और जो टमाटर वाली साइड है इसको हम नीचे रखेंगे। कबाब डालने के बाद आप हाथ से हल्के हल्के इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर तरह से कबाब हमारे पतले ही रहें, मोटे ना हो। और हम आँच जो है अपनी हल्की रखेंगे, उसमें हम इसे फ्राई करेंगे अच्छा सा गोल्डन दोनों साइडों से, ताकि हमारा जो कीमा है वो अच्छी तरह गल जाए, कबाब अंदर से कच्चे ना रहें। इसलिए हम हल्की आँच पे पहले एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे, फिर मैं इसे पलटूंगी और दूसरी तरफ से भी गोल्डन कर लूँगी। ये देखें, ये एक तरफ से गोल्डन हो गया है। अब मैं इसको अच्छी आँच से दूसरी तरफ पलट दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फ्राई कर लिए थे और इनको डिश आउट कर दिया है। इसको मैंने जो है वो पूरी पराठे के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह भी रुमाली रोटी के साथ भी सर्व किया जाता है। ये उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।